हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम मानव प्रेरा, आप देख रहे हो हिंदी एक वीडियो। और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जीकेएम सिलेंडर 2, जो कि रेडमी नोट 4 के अंदर वर्किंग कंडीशन के अंदर है। जैसे जानते हो दोस्तों, जो जीकेएम सिलेंडर 2 है, पिक्सल 4 का गूगल कैमरा है। और वो किस तरह से रेडमी नोट 4 के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, किस तरह से यूज कर सकते हो, उसके बारे में वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ जीकेएम सिलेंडर 2 का एपीके, जो कि रेडमी नोट 4 के अंदर फुली वर्किंग कंडीशन के अंदर है। एस्ट्रो मोड, फोटो पोर्ट्रेट मोड के साथ साथ दोस्तों एचडीआर मोड भी काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो का अंत तक देखिए, अगर आपके पास रेडमी नोट 4, रेडमी नोट 5 प्रो, रेडमी नोट 6 प्रो, रेडमी नोट 7 प्रो है, क्योंकि ये जो एपीके दोस्तों मोस्टली सभी रेडमी और शामी डिवाइस के अंदर काम कर जाएगा। जीकेएम सिलेंडर 2 का लेटेस्ट एपीके है। तो पहले मैं बता दूं दोस्तों, यहां पर मैं दोस्तों एक कस्टम रॉम यूज कर रहा हूं, जो एमआईयू 11 है। रेडमी नोट 4 के अंदर कैमरा 2 एपीआई एनेबल नहीं होकर आता है। सो इसलिए दोस्तों, अगर आप जीकेएम सिलेंडर 2 को यूज करना चाहते हो अपने रेडमी नोट 4 के लिए, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, कैमरा 2 एपीआई को एनेबल करना होगा और जो एमआईयू रॉम है, एमआईयू 11 रॉम है, उसे छोड़ के कोई भी कस्टम रॉम के ऊपर आ जाना होगा। जैसे देख पा रहे हो कैमरा 2 एपीआई यहाँ पर एनेबल है और यहाँ पर लेवल 3 का सपोर्ट हमको मिल जाता है अपने रेडमी नोट 4 के अंदर, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो। तो यहाँ पर दोस्तों सेटिंग्स में चलते हैं। पहले अबाउट में जाके मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा मेरा जो एंड्रॉइड वर्सन है दोस्तों, एंड्रॉइड वर्सन 10 आपको यहाँ पर मिलता है। अगर आप एमआईयू 11 के अंदर हो अपने रेडमी नोट 4 के अंदर दोस्तों, ये काम नहीं करेगा। आपको दोस्तों एक कस्टम रॉम इंस्टॉल करना होगा, जो कि कैमरा 2 एपीआई एनेबल होकर आएगा। सो यहाँ पर दोस्तों मैं एओ एसआईपी रॉम यूज कर रहा हूँ अपने रेडमी नोट 4 के अंदर, जिसके अंदर कैमरा 2 एपीआई एनेबल है। तो इसलिए दोस्तों हमारे डिवाइस के ऊपर जीकेएम सिलेंडर 2 का लेटेस्ट वर्सन काम कर जाएगा। आपको मैं यहाँ पर अबाउट में जाके भी दिखाना चाहूंगा दोस्तों, ये लेटेस्ट एपीके आपको मिलता है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, वर्सन है 7.2.0.16, एकदम लेटेस्ट वर्सन है अभी के लिए दोस्तों। सो सिंपली कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करते हैं दोस्तों, आपको यूजर इंटरफेस भी दिखा दे रहा हूँ। सो कंप्लीट दोस्तों यूजर इंटरफेस आपको जीकेएम 7.2 की तरह दिखता है। यहाँ पर आपको नीचे पोर्ट्रेट मोड, कैमरा, वीडियो मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों ऊपर से स्वाइप करने के बाद आपको एचडीआर प्लस मिलता है, एचडीआर एनहांस मोड मिल जाती है, मोशंस मिलती है, टाइमर मिलते हैं, फ्लैश मिलते हैं। और चलते दोस्तों नाइट स्लाइड फीचर के अंदर, नाइट स्लाइड फीचर के अंदर आपको एस्ट्रो फोटोलॉजी मोड भी मिल जाती है, या सब फोकस को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको मिलता है दोस्तों पोर्ट्रेट मोड, पोर्ट्रेट मोड पे दोस्तों फ्रंट बैक दोनों के अंदर काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको फेस रिटचिंग भी मिल जाता है, टाइमर तो मिलता ही मिलता है। पर अभी के लिए दोस्तों सैडली जो वीडियो रिकॉर्डिंग मोड है दोस्तों, यहाँ पर रेडमी नोट 4 के अंदर काम नहीं कर रहा है जीकेएम 7.2 का। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको टाइम लैप्स, स्लो मोशन फोटोज पर मिलता है। जो टाइम लैप्स फीचर है दोस्तों, वो भी यहाँ पर फिलहाल काम नहीं कर रहा है। पर हमारे को इतना कुछ मतलब नहीं बनता है, हम सिर्फ यूज करना चाहते हैं पोर्ट्रेट मोड, नाइट स्लाइट मोड, एस्ट्रो मोड और आपका नॉर्मल कैमरा। सो अगर आपके पास रेडमी नोट 4 है तो इस एपी को डाउनलोड करके देख सकते हो। आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूं, अपने रेडमी नोट 4 के अंदर फर्स्ट क्लास काम करेगा। सेनेस के अंदर आपको दोस्तों मिलता है फ्रेम हीटिंग करके मिलता है, सेफ सेल्फी एसपीयू करके मिलता है, सोशल शेयर मिल जाती है, जो कि 7.2 के अंदर ही आपको मिलेगा सिर्फ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एडवांस के अंदर मिल जाती है एचडीआर की कंट्रोल, शो डायलेंस वार्निंग और सोशल डिप्ट सोशल मीडिया डेप्थ फीचर, ये फीचर आपको मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन मिलता है एडवांस सीरीज के अंदर, आपको यहाँ पर मिल जाते हैं इनेमेल एस्ट्रोफोलॉजी मोड, तो इसे आपको इनेबल कर देना होगा। उसके बाद आपका फोन जो है दोस्तों एस्ट्रोफोलॉजी मोड के साथ पिक्चर को क्लिक करेगा, स्पेशली स्टार की पिक्चर आप क्लिक कर सकते हो एस्ट्रोफोटोलॉजी मोड के साथ। उसके बाद आपको डिस्प्ले P3 मिलता है, फोकस ट्रैकिंग मिलता है, गूगल फोटोज का सपोर्ट मिलता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों अबाउट की, आप देख पा रहे हो ये जो डेवलपर है दोस्तों DMGC का डेवलपर है। जीकेएम 7.2 का लेटेस्ट वर्सन आपको यहाँ पर मिल जाती है और इस ये जो एपीके दोस्तों फर्स्ट क्लास काम करते हैं अपने रेडमी नोट 4 के अंदर। फिट्स बता दूं, वीडियो रिकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, स्लो मोशन काम नहीं कर रहा है, टाइम लैप्स मोड काम नहीं कर रहा है। पर हमें इसका कुछ मतलब नहीं है। अगर आप एस्ट्रोफोटोलॉजी मोड की यूज करना चाहते हो, अगर आप एचडीआर प्लस की यूज करना चाहते हो, अगर आप पोर्ट्रेट मोड की यूज करना चाहते हो, जीकेएम 7.2 का लेटेस्ट फीचर को अपने रेडमी नोट 4 के अंदर यूज करना चाहते हो, तो इस एपीके को ट्राई करके देख सकते हो। आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूं, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप इस रॉम को डाउनलोड करना चाहते हो और किस तरह से रॉम को इंस्टॉल करते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर आप चेकआउट करके देख लेना। सो मैं आशा करूं दोस्तों वीडियो को पसंद आया और कोई छोटा सा वीडियो पसंद आया जरूर से वीडियो को लाइक करना। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग टेक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन को दबा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।